दोस्तों सीधी बात, नो बकवास, अगर आपके पास भी OnePlus का ये Note C 4 Lite 5G मोबाइल है तो ये वीडियो बिल्कुल आपके लिए है, क्योंकि तीन फायदे अपफ्रंट होने वाले हैं आपको इस वीडियो के बाद आपके मोबाइल में। जो सबसे बड़ा फायदा है वो ये है कि आपका OnePlus मोबाइल जो है बिल्कुल मक्खन की तरह लैग फ्री चलेगा, रॉकेट की तरह फास्ट भागेगा, और इस फोन के प्राइवेसी में बिल्कुल प्रोटेक्शन ऐड हो जाएगा, यानी कि कोई भी थर्ड पार्टी किसी भी ऐप के थ्रू या फिर मैलवेयर ब्लॉटवेयर के थ्रू आपके फोन पे किसी भी तरह का एक्सेस नहीं कर पाएगा और हैकिंग तो बिल्कुल हो ही नहीं पाएगा। और तीसरा जो सबसे बड़ा फायदा वही है कि आपके मोबाइल का बैटरी ड्रेन पूरी तरह से बंद हो जाएगा, और अननेसेसरी अगर आपको लगता है कि आपका बैटरी जो है वो खत्म हो रहा है तो बिल्कुल बंद हो जाएगा और बैटरी बैकअप ऑलमोस्ट 1.5 दिन से 2 दिन हो जाएगा, यानी 1.5 गुना से डबल हो जाएगा, ये गारंटीड है। तो नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं मैच कल टेक गुरु, और चलिए फटाफट से करते हैं इस मैच कल वीडियो को शुरू। और चलिए सबसे पहले शुरुआत करते हैं एक ऐसे टिप्स एंड ट्रिक्स से जो बहुत ही हिडन है आपके OnePlus डिवाइस में, और बहुत लोगों का मेरे को भर भर के मैसेज आया कि ये टिप्स एंड ट्रिक्स जरूर से बताने का है, क्योंकि पहले ये टिप्स एंड ट्रिक्स जो है आपको हिडन होता था आपके साइड बार में, जिसमें आप YouTube को बैकग्राउंड में स्ट्रीम कर लेते थे और अपने मोबाइल को लॉक भी कर सकते थे, मगर बैकग्राउंड साउंड को आप सुन सकते थे, मगर अब वो फीचर जो है यहां से हटा दिया गया है एंड्रॉइड 14 में। तो उसको अगर आपको पाना हो तो आप क्या करेंगे, तो सबसे पहले तो आपको अपने ऐप्स में जाना होगा और यहां पे इंटरनेट नाम का ऐप है जो वो खोजना होगा, और जैसे ही मिल जाए उसको बस पटाक से टैप कर दीजिए। इसके बाद आप देख सकते हैं यहाँ पर बीचों बीच आपको 3 लाइंस का मेनू देखने को मिलता है, इसमें जाना होगा, इसके सेटिंग्स में जाना होगा, और यहाँ पर थोड़ा नीचे आएंगे तो आप देखेंगे फ्लोटिंग टूल बार फॉर स्ट्रीमिंग विंडोज है, अगर ये डिसेबल्ड है तो आपको बस इनेबल कर लेना है। और अब देखिए होगा जादू, आप बैक जाएंगे, यहाँ पर ये जो डॉट 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 है इसमें जाएंगे और यहाँ से यूट्यूब को बस आपको ओपन कर लेना है और इसमें लॉग इन कर लेना है, नहीं करने का मन है तो आपको करने की भी जरूरत नहीं है, और यहाँ पर आपको सर्च कर लेना है जिसका भी आपको वीडियो देखना है, तो ऑब्वियसली आपका फेवरेट है मैच कर टेक गुरु, तो मैच कर टेक गुरु का आपको वीडियो देखना है तो बस यहाँ से इसको ओपन कर लेना है। और सीधी बात, नो बकवास, आप देख रहे हैं यहां भी चल रहा है। अब आपको बैकग्राउंड में रन कराना है तो आप क्या करेंगे, तो सबसे पहले तो आप ये देखेंगे कि यहां पर आपको एक मेनू देखने को आ जाता है, इनफैक्ट आप देखिए आप इसको कहीं भी मूव कर सकते हैं, इस तरह से आप यहां रख सकते हैं, आप चाहे तो इसको यहां से कहीं भी मूव कर सकते हैं, तो चलिए अभी यहीं रहने देते हैं। और ये जो हेडफोन है इसको बस यहां से ऑन कर दीजिए, देखिए बैकग्राउंड प्ले ऑन हो चुका है। अब आप इसको मिनिमाइज भी करेंगे तो आप देखेंगे कि बैकग्राउंड म्यूजिक आप सुन रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, पूरी तरह से बंद हो जाएगा, ये गारंटीड है। अगर आप इसको लॉक भी कर देंगे तो आप देखेंगे कि बैकग्राउंड में आप इसके आवाज को सुन रहे हैं, आप देख सकते हैं मोबाइल लॉक है मगर बैकग्राउंड में जो यूट्यूब का आवाज है वो आपको सुनाई पड़ रहा है। तो ऑब्वियसली जब आपका काम हो जाता है तो आप चाहेंगे कि आप मोबाइल के अंदर जाके देख सके कि आप उसको कहां से एक्सेस कर सकते हैं, तो आप जैसे ही क्विक टॉगल में जाएंगे तो आप देखेंगे यहां पर आप उसको एक्सेस कर सकते हैं। बंद करना हो तो यहां पॉज का बटन है, यहां पॉज कर दीजिए, देखिए ऑटोमेटिकली बंद हो जाएगा। अब चलिए बढ़ते हैं दोस्तों एक बहुत ही खतरनाक प्राइवेसी फीचर की तरफ जो आपको इस OnePlus डिवाइस में देखने को मिलता है। एग्जांपल के लिए अपने मोबाइल को लॉक कर देते हैं, आप ऑफिस में हैं या फिर अपने घर में हैं और आप लॉक करके कहीं चले जाते हैं, वॉशरूम चले जाते हैं, और कोई भी आता है डबल टैप करता है आपके लॉक स्क्रीन में जाता है और यहां से ऐसे एक्सेस करने की कोशिश करता है कंट्रोल सेंटर को, और देखता है कि कंट्रोल सेंटर एक्सेस हो जाता है, और ना सिर्फ एक्सेस हो जाता है वो आपके डेटा को टेथर करता है, और देखिए हॉटस्पॉट भी ओपन हो जाता है, यानी कि फ्री में अगर किसी को 5G डेटा मिले तो किसको अच्छा नहीं लगेगा दोस्तों, आप खुद ही बताइए। ये बात और है कि आप अपने मोबाइल से दूर हैं वो भी लॉक करके, और कोई भी आपके लॉक्ड मोबाइल में एक्सेस कर पा रहा है, जो आपके प्राइवेसी के लिए वाकई खतरनाक है, यह नहीं होना चाहिए। तो नहीं करने के लिए आप क्या करेंगे, तो आप सबसे पहले तो वापस आएंगे, अपने मोबाइल के अंदर जाएंगे, सेटिंग्स में जाएंगे, थोड़ा सा नीचे यहां पर आएंगे तो आप देखेंगे नोटिफिकेशन स्टेटस बार है, इसके लॉक स्क्रीन पर जाएंगे और ये जो स्वाइप डाउन ऑन लॉक स्क्रीन टू व्यू नोटिफिकेशन ड्रॉअर है इसको डिसेबल कर देना है, और वेक स्क्रीन व्हेन अ नोटिफिकेशन रिसीव्ड इसको भी डिसेबल कर देना। आप क्यों चाहते हैं कि आपके नोटिफिकेशन को कोई भी देखो जब आपका स्क्रीन जो है लॉक्ड हो। अब देखिए जादू होगा, अब आप वापस से अपने मोबाइल को लॉक करके जाएंगे वॉशरूम या फिर कहीं भी घर में या ऑफिस में, और आपका दोस्त फिर से आएगा, उसको लगेगा कि आज भी फ्री का 5G डेटा मिल जाएगा और वो एक्सेस करने की कोशिश करेगा ऐसे, और देखेगा अरे क्या कल तो हो रहा था मगर आज क्यों नहीं हो पा रहा है, बहुत कोशिश करेगा 5G डेटा फ्री का लेने का, मगर उसको असफलता ही मिलना है दोस्तों, क्योंकि आपने अपने लॉक्ड OnePlus मोबाइल में नोटिफिकेशन को डिसेबल कर दिया है और साथ में ही कंट्रोल सेंटर को भी डिसेबल कर दिया है। तो ऑब्वियसली वो आपसे पूछेगा कि भाई कैसे आप ये कर लेते हो, कैसे आप अपने प्राइवेसी को इतना इंटैक्ट बना लेते हो कि कोई परिंदा पर नहीं मार सकता है। तो जरूर से उसको बताइएगा कि आप मैजिकल टेक गुरु के सब्सक्राइबर हैं और ये सारे खतरनाक टिप्स एंड ट्रिक्स आप वहीं मैजिकल टेक गुरु के चैनल पे देखते हैं, तो खुद भी सब्सक्राइब कीजिए, दूसरों को भी सब्सक्राइब करवाइए ताकि उनको भी फायदा हो अपने OnePlus डिवाइस में। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट जन सेटिंग की तरफ। तो आपको लगता है कि आपको मोबाइल को स्विच ऑफ करना है, तो आप क्या करते हैं पावर बटन को दबाते हैं और आप देखते हैं कि ये क्या कुछ ऐसा
चीज आ गया जो बड़ा अजीब सा है, कुछ पता नहीं चल रहा है क्या है, तो इसको आप नहीं चाहते, आप तो पावर ऑफ ऑन बटन चाहते हैं। तो आप क्या करेंगे, तो यहाँ सेटिंग्स में जाएंगे, थोड़ा सा नीचे आएंगे तो आप देखेंगे आपको एडिशनल सेटिंग्स देखने को मिल जाता है, यहाँ पर आपको पावर बटन देखने को मिल जाता है और यहाँ पर ये जो है असिस्टेंट इनेबल्ड है, इसको आपको यहाँ से हटा के पावर मेन्यू कर देना है। और जैसे ही आप ऐसा करेंगे, अब देखिए आप पावर ऑफ करने के लिए बटन को दबाएंगे तो यहाँ पर जो है कुछ भी अनवांटेड नहीं आएगा, या तो पावर ऑफ आएगा या तो रीस्टार्ट आएगा। अब इसमें भी एक प्राइवेसी का बहुत बड़ा खतरा है दोस्तों, आप देखेंगे कि कितना बड़ा प्राइवेसी का खेल आपके मोबाइल में हो रहा है। अगेन आपका मोबाइल होता है लॉक और आपका कोई दोस्त फिर से बदमाशी करने की कोशिश करता है, वो देखता है कि लॉक स्क्रीन से अगर पावर बटन दबाते हैं तो क्या आता है, और ये देखता है कि अरे ये तो आ गया, और यहां से वो पावर ऑफ कर भी सकता है, रीस्टार्ट कर भी सकता है। और आप आ जाते हैं एकदम टेंशन में कि अरे यार जब भी मैं जाता हूं कहीं बाहर लॉक करके, ये बार बार रीस्टार्ट क्यों हो जाता है, स्विच ऑफ क्यों हो जाता है। तो अगेन उसका कारण यही है कि आपने अपने सेटिंग्स को चेंज नहीं किया है। अब इसको चेंज कहां से करना है ये आपके लिए जानना बहुत जरूरी है। तो अगेन आपको सेटिंग्स में जाना होगा, एडिशनल सेटिंग्स के ऊपर आप देखेंगे सिक्योरिटी एंड प्राइवेसी, इसमें जाना होगा, थोड़ा नीचे आएंगे तो आप देखेंगे मोर सिक्योरिटी प्राइवेसी, इसमें जाना होगा और यहां पर आप देख सकते हैं रिक्वायर पासवर्ड टू पावर ऑफ, यहां से बस इसको इनेबल कर देना है। बस ऑब्वियसली ये आपसे पैटर्न पासवर्ड मांगेगा ताकि ये पहचान सके कि आप ही हैं जो ये काम कर रहे हैं, मगर क्या ये वाकई काम करता है, बिल्कुल करता है। अब आप करेंगे लॉक, अगेन आप कहीं जाएंगे, अगेन आपका वो शाना दोस्त आएगा कि अरे चलो इसको रीस्टार्ट कर देते हैं, पावर ऑफ कर देते हैं, तो आ भी जाएगा, मगर वो जैसे ही करने का कोशिश करेगा तो ये मांग लेगा वेरीफाई कि भैया या तो फिंगरप्रिंट दो, या तो पैटर्न दो, या तो फेस दो, तो पहचान सके कि आप ही हो, और वो तो दे नहीं पाएगा। तो वो अगेन बोलेगा यार कल तक तो मैं तुम्हारे फोन को स्विच ऑफ कर पा रहा था, रीस्टार्ट कर पा रहा था, आज क्या हो गया, आज क्यों नहीं कर पा रहा। तो अगेन से उसको बता दीजिएगा दोस्तों कि आप मैजिकल टेक गुरु को सब्सक्राइब कर चुके हैं और अपने वन प्लस डिवाइस के प्रो यूजर बन रहे हैं, इसलिए अब आपको वो परेशान नहीं कर पाता है। कल तक वो आपके मजे ले रहा था, अब आप उसके मजे ले सकते हैं। अब अपने मोबाइल में होते हैं, होम स्क्रीन पे यहाँ पर जो होम बटन है इसको गलती से आप लॉन्ग टैप करके रखते हैं, तो अगेन देखते हैं कुछ ऐसा हो गया जो आपको नहीं चाहिए होता है। फिर से आप चाहते हैं कि नहीं ऐसा ना हो आपके मोबाइल में, तो आप क्या करेंगे, तो अगेन आपको सेटिंग्स में जाना होगा, एडिशनल सेटिंग्स में वापस जाएंगे, सिस्टम नेविगेशन में जाएंगे और यहाँ पर आप देख सकते हैं वेक असिस्टेंट विद होम बटन, इसको आपको यहाँ से डिसेबल कर देना है। तो अब देखिए फिर से आपके मोबाइल में होगा कमाल, जैसे ही आप होम स्क्रीन के होम बटन पर लॉन्ग टैप करके रखेंगे तो आप देखेंगे कुछ भी नहीं होता है और बिल्कुल सुकून का सांस लेंगे कि चलो भाई इससे तो बच गए। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट जन सेटिंग की तरफ। तो आप सेटिंग्स में जाएंगे, यहाँ पर थोड़ा नीचे आएंगे तो आप देखेंगे आपको बैटरी देखने को मिलता है और यहाँ पर आपको बैटरी हेल्थ देखने को मिलता है, जो बहुत इंपॉर्टेंट है देखना कि 100% है कि नहीं है, क्योंकि आपका फोन जो है वो बिल्कुल ब्रांड न्यू फोन है और ब्रांड न्यू फोन का बिल्कुल कैपेसिटी 100% होना ही चाहिए। अगर ये 99% भी है तो फेक कर मारी है इसको अपने डीलर को या फिर फ्लिपकार्ट अमेजन को, जिसने आपको फॉल्टी फोन पकड़ा दिया है। और उसके बाद कमाल का चीज आपको नीचे आता है स्मार्ट चार्जिंग, अगर आप चाहते हैं कि आपका बैटरी का एजिंग जो है वो स्लो डाउन हो जाए, आपका बैटरी जो है ज्यादा पावर दे, ज्यादा बैकअप दे, ज्यादा समय तक चले, तो आपको बस इसको यहां से इनेबल कर देना है ताकि इंटेलिजेंटली आपका मोबाइल आपके बैटरी के चार्जिंग को समझे और चार्जिंग के पैटर्न को ऑटोमेटिकली एडजस्ट कर सके। मगर आपको लगता है कि आपको इसका जरूरत नहीं है, ऐसे भी बैटरी 4 साल 5 साल तो चलता ही है दोस्तों। आप ये चाहते हैं कि रात भर जब आपका आदत होता है बैटरी चार्ज करने का, तो रात भर ओवर चार्ज ना होते रहे, गर्म ना होते रहे, तो आप इस ऑप्शन को यूज कर सकते हैं स्टॉप चार्जिंग एट 80%, यानी रात में जब आप चार्ज करेंगे तो 80% पे ऑटोमेटिकली स्टॉप चार्जिंग कर देगा, बंद कर देगा चार्जिंग करना, मोबाइल ना गर्म होगा, बैटरी ना ओवर हीट होगा और ऑटोमेटिकली इसका लाइफ बढ़ जाएगा। और हाँ, ये आपको ध्यान रखने की जरूरत है कि दोनों में से कोई एक ही चीज आप यहाँ पर इनेबल कर सकते हैं, बाकी 20% बैटरी आप मॉर्निंग में चार्ज कर लीजिए। वैसे भी इतना बड़ा बैटरी चार्जिंग आपको दिया गया है कि आपका 5 से 10 मिनट में तो 20% चार्ज हो जाएगा। अब दोस्तों मैं आपको एक ऐसा हिडन सेटिंग दिखाऊंगा कि आपका होश उड़ जाएगा, पैरों के तले से जमीन खिसक जाएगा। आप यहाँ रिसेंस में जाते हैं, देखते हैं कोई ऐप नहीं काम कर रहा है, फिर भी आप क्लोज आउट कर देते हैं सेफ्टी के लिए। ऊपर से नीचे स्वाइप करते हैं, देखते हैं कुछ भी नोटिफिकेशन नहीं है, कुछ भी नहीं रन कर रहा है। मगर जैसे ही एक बार और ऊपर से नीचे आते हैं तो आप देखते हैं कि ये क्या, यहाँ पर ये डॉट क्यों है 3 डॉट्स में, कुछ तो गड़बड़ है दया, इसको पता करना बहुत जरूरी है। तो आप 3 डॉट्स में जाएंगे और देखेंगे एक एक्टिव ऐप है जो रन कर रहा है। अब सोचिए दोस्तों कि आपका फोरग्राउंड में कोई भी ऐप रन नहीं कर रहा है, आपने कुछ ऐप को रन भी नहीं किया, मगर बैकग्राउंड में एक ऐप है जो रन कर रहा है। और कोई रॉकेट साइंस नहीं समझना ये आपके लिए कि बैकग्राउंड में आपके जानकारी के बिना अगर आपके मोबाइल में कोई भी ऐप रन कर रहा है तो वो बैटरी को चूस रहा है, मोबाइल को गर्म कर रहा है, मोबाइल के रिसोर्सेज को यूज कर रहा है और आपको पता भी नहीं है। तो जब भी आप इस 3 डॉट्स में जाएं, एक्टिव ऐप्स में जाएं, फटाक से यहां जाकर जो भी ऐप रन कर रहा है उसको फोर्सफुली स्टॉप कर दें। और देखिए अब एक्टिव ऐप में गायब हो जाएगा, देखिए 3 डॉट्स में अब डॉट भी गायब हो जाएगा, यानी एक्टिव ऐप ही गायब हो जाएगा। अब आप चैन की सांस ले सकते हैं कि आपका मोबाइल जो है बिल्कुल सेफ है, सुरक्षित है, साउंड है। वैसे आपको पता ही होगा कि ये जो टाइम आप यहां पर देख रहे हैं इस पर अगर आप टाइप करेंगे तो आप डायरेक्टली जो है अपने क्लॉक ऐप में चले जाएंगे, आपको कहीं से भी क्लॉक ऐप खोजने की जरूरत नहीं है। और क्विक टॉगल में एक और कमाल का चीज है जो आपके लिए जानना बहुत जरूरी है कि यहां पर आपको मल्टीपल ऐप का भी ऑप्शन देखने को मिल जाता है, मल्टीपल यूजर आप यहां से सिलेक्ट कर सकते हैं, आपको कहीं भी अंदर जाने की जरूरत नहीं है। हाँ, फर्दर सेटिंग करना हो तो मोर में जाके आप उसके अंदर जाकर पूरा का पूरा सेटिंग कर सकते हैं, ऐड यूजर कर सकते हैं वगैरह वगैरह। अब आइए कुछ बढ़ते हैं मजेदार सेटिंग की तरफ जो आपका बैटरी बचाता है, आपके मोबाइल का परफॉर्मेंस को भी बढ़ाता है। आपको इसमें होम स्क्रीन के सेटिंग्स में जाने के लिए होम स्क्रीन पर लॉन्ग टैप करके रखना है, मोर में जाना है और यहां पर आप देख सकते हैं सबसे पहले तो डबल टैप टू लॉक है जरूर इनेबल करके रखें ताकि डबल टैप करके आप लॉक कर सके, डबल टैप करके अनलॉक कर सके, वो नीचे है फीचर, उसको भी हम लोग अभी देखेंगे। इसके बाद आप देखते हैं कि आपने होम स्क्रीन पर स्वाइप करते हैं तो आता है नोटिफिकेशन, उसके बाद आता है क्विक ड्रॉ। आप चाहते हैं कि ऐसा ना हो, बहुतों के मोबाइल में आता है शेल्फ और आपको
लगता है कि शेल्फ काम का चीज़ है वो लाना है, तो वो कैसे लाएंगे? तो ऑब्वियसली आप अपने होम स्क्रीन की सेटिंग में फिर से चले जाएंगे और यहाँ पर स्वाइप डाउन होम स्क्रीन जाएंगे, यहाँ पर आप शेल्फ को कर लेंगे। अब देखिए होम स्क्रीन पर जाएंगे, ऐसे करेंगे तो शेल्फ ही आएगा। और शेल्फ कमाल का चीज़ है दोस्तों, आपको यूज करना चाहिए क्योंकि इतना सारा विजेट आपको देखने को मिल जाता है और सारा कस्टमाइजेबल विजेट है। और यहाँ प्लस करके आप कैलेंडर एंट्री को भी ऐड कर सकते हैं, विजेट को ऐड कर सकते हैं, जो भी आपको आपके मोबाइल के लिए बेस्ट लगता है यहाँ से आप उसको सेलेक्ट कर सकते हैं। वापस होम स्क्रीन की सेटिंग जाते हैं, मगर इस बार दूसरे तरीके से जाते हैं। दो उंगली ऐसे स्क्वीज करेंगे तो देखिए आप होम स्क्रीन की सेटिंग्स भी इतने आसानी से चले जाते हैं। और इसी में थोड़ा नीचे आते हैं तो आप देखते हैं ऐप स्टार्टअप क्लोजिंग एनिमेशन है जो फास्ट है। देखिए दोस्तों फास्ट होना अच्छी बात है, मगर ये बैटरी भी वैसा ही खाता है। मीडियम कर दीजिएगा तो आपको फर्क पता नहीं चलेगा, मगर बैटरी में बहुत ही कंसिडरेबली अमाउंट ऑफ बैटरी आपका खत्म होगा, जिससे आपका बैटरी का लाइफ बढ़ेगा। एक दिन से बैटरी बैकअप बढ़ के डेढ़ दिन होगा। यही सब छोटा छोटा चीज होता है दोस्तों जो फायदा करता है आपके बैटरी के लिए। इसके बाद अगेन आप नीचे आएंगे तो रेस टू वेक है जरूर से इनेबल कर लीजिए, डबल टैप टू वेक टर्न ऑफ है जरूर से इनेबल कर लीजिए। उसके बाद आप नीचे आएंगे तो पॉकेट मिसटच प्रिवेंशन, इसको भी जरूर से इनेबल करके रखें ताकि गलती से मोबाइल आपके पॉकेट में हो, बैग में हो, कुछ टच ऐसा ना हो जाए आपके मोबाइल में कि कुछ मैसेज चला जाए, कुछ कॉल हो जाए और आपको एम्बैरेसमेंट फील हो कि आपका मोबाइल ऐसा ऐसा कैसे कर लेता और अगला पूछे कि भाई क्या करते रहते हो। तो इन सब चक्कर में नहीं पड़ने का है, इसको बस इनेबल कर लेना है। इसके बाद आप रिसेंट टास्क मैनेजमेंट जाएंगे तो एक कमाल का चीज क्या देखेंगे, रिसेंट में भी जाते हैं तो कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दिखता है, मगर जैसे ही आप यहाँ पर डिस्प्ले रैम इन्फॉर्मेशन करते हैं तो अब रिसेंट में जाते हैं तो यहाँ पर आप क्लियरली देख सकते हैं 2.3 GB रैम अवेलेबल है 8 GB + 8 GB में से। 8 GB आपका इंटरनल रैम है, 8 GB आपका रैम प्लस है या रैम बूस्टर है, तो जरूर से आप इसको इनेबल करके रखें इनकेस आप बहुत ज्यादा गेमिंग यूज करते हैं या फिर आप अपने मोबाइल में रेंडरिंग या फिर एडिटिंग एप्स को यूज करते हैं, ताकि आपको एडिशनल रैम का जब जरूरत हो तो आपको मिल सके आसानी से। अब आइए होम स्क्रीन पे जाने का आपको तीसरा तरीका बताते हैं। आपको सेटिंग्स में जाना है, होम स्क्रीन लॉक स्क्रीन में जाना है और देखिए यहाँ पर आप होम स्क्रीन के सेटिंग्स में जाते हैं। अगेन आप रिसेंट टास्क मैनेजर में जाएंगे और यहाँ पर आप देख सकते हैं कुछ ऐप्स जो है अनलॉक्ड है। ऑब्वियसली आप सोच रहे होंगे कि ये क्या मजा है, अनलॉक्ड और लॉक्ड के क्या चक्कर है, तो चलिए कैलकुलेटर को लॉक कर देते हैं। अब देखिए जादू क्या होगा, जैसे ही आप अगेन रिसेंट टास्क मैनेजर में जाएंगे तो आप देखेंगे कि लॉक्ड में कैलकुलेटर रहता है, अनलॉक्ड में इतना सारा ऐप आ जाता है। फिर भी आपको कुछ नहीं समझ में आ रहा होगा दोस्तों कि अनलॉक लॉक का मतलब क्या है, तो चलिए इसको एक एग्जांपल के रूप में देखते हैं। आप अपने ऐप स्क्रीन में जाते हैं और कैलकुलेटर को खोजते हैं कहां पर है और यहां से कैलकुलेटर को आप ओपन कर लेते हैं। अब आप देखते हैं कि आपके रिसेंट्स में कितना ऐप है, तो एक कैलकुलेटर और एक क्रोम है। अगर आपको याद होगा तो क्रोम जो है वो अनलॉक्ड ऐप है और कैलकुलेटर जो है लॉक्ड ऐप है। तो अब आप यहां से क्लोज ऑल करेंगे तो जो लॉक्ड ऐप होगा वो क्लोज नहीं होगा, ताकि वो आपका बैटरी बचा सके, क्योंकि लॉक्ड ऐप आप उसी को करते हैं जो आप ज्यादा यूज करते हैं, और ज्यादा यूज को भी अगर आप रैम से उड़ाएंगे तो वो आपका बैटरी खाता है, रैम को अननेसेसरली वेस्ट करता है। तो चलिए आपको लाइव दिखाते हैं, क्लोज ऐप आप जैसे ही करेंगे तो क्रोम जो है वो उड़ जाएगा और कैलकुलेटर जो है वापस आ जाएगा। आप देख सकते हैं अब आपको सिर्फ कैलकुलेटर दिखेगा, रिसेंट में क्रोम नहीं दिखेगा क्योंकि कैलकुलेटर को आपने लॉक कर दिया था। अब एक यहां पर आपको बहुत ही प्राइवेसी से रिलेटेड कमाल का फीचर देखने को मिलता है। आप जाते हैं अपने किसी भी ऐप में, एग्जांपल के लिए आप जाते हैं अपने फोटोज में, आप नहीं चाहते कोई ताक झांक करके आपके फोटोज को देख सके, तो आप क्या करेंगे, तो आप यहां रिसेंट में जाएंगे, थ्री डॉट्स के मेनू में जाएंगे और यहां पर जो हाइड कंटेंट है इसको सिलेक्ट कर लेंगे। अब देखिए रिसेंट में ये हाइड हो जाता है, बिल्कुल भी नहीं दिख रहा है, मगर कैलकुलेटर दिख रहा है। यानी रिसेंट में जो आप देखेंगे कोई बगल में ताक झांक करेगा तो आपको फोटोज नहीं देख पाएगा। आप बैंकिंग ऐप को यूज कर सकते हैं, आप व्हाट्सएप स्नैपचैट यूज कर सकते हैं, ताकि कोई भी ताक झांक करके आपकी इन ऐप्स को रिसेंट में ना देख सके। अब ये दोस्तों डिस्प्ले में भी देख लेते हैं कुछ ऐसे ऐसे फीचर जो आपका बैटरी डेफिनेटली बचाते हैं। छोटे छोटे फीचर है मगर काम के फीचर है। तो सबसे पहला चीज तो ये कि अगर आप डार्क मोड यूज करते हैं तो आपका बैटरी बहुत बचता है, तो कोशिश कीजिए ज्यादा से ज्यादा आप डार्क मोड को यूज करें। मगर मैं तो वीडियो बना रहा हूं तो मैं तो लाइट मोड ही रखूंगा, लेकिन हाँ बैटरी बचाने के लिए आप डार्क मोड ज्यादा से ज्यादा यूज करें। और ऑटो ब्राइटनेस अगर आप यूज करते हैं तो बिल्कुल भी यूज ना करें, खासकर आप घर में हो तब तो कभी भी यूज ना करें। आप अगर बाहर हैं तो जरूर कर सकते हैं, वो भी जब बाहर हैं तभी, क्योंकि यहाँ पर जो एक सेंसर होता है ऑटो ब्राइटनेस का वो 24/7 जो है वो चेक करते रहता है कि ब्राइटनेस घटाना है बढ़ाना है। कोई रॉकेट साइंस नहीं समझना होता कि 24/7 कुछ भी आपके मोबाइल में हो रहा होगा वो आपका बैटरी को चूस रहा है, मोबाइल को गर्म कर रहा है, बैटरी का रिसोर्सेज यूज कर रहा है, जो आपको नहीं करने देना है 24/7, तो बिल्कुल भी नहीं करने देना है। बाहर जाइए तो ऑन कर लीजिए, अंदर आइए बंद कर लीजिए, घर में आपको ऑटो ब्राइटनेस क्यों चाहिए। इसके बाद आप यहाँ पर देख सकते हैं स्क्रीन कलर मोड है, अगर आपका विविड है जो कि चटक कलर है, सैचुरेटेड कलर है, तो ऑब्वियसली बैटरी ज्यादा खा रहा है। आप यहाँ पर न्यूट्रल यानी कि नेचुरल रख सकते हैं जो आपका बैटरी कम खाता है। और डिस्प्ले में अगर आप नीचे जाएंगे तो आप देखेंगे कि आपको ऑप्शन मिल जाता है इमेज शार्पनर का, जो बाय डिफॉल्ट ऑन होता है, आप इसको ऑफ कर सकते हैं अगर आप बहुत ज्यादा फ्रीक्वेंटली इमेजेस नहीं देख रहे हैं, क्योंकि बेसिकली ये लो क्वालिटी इमेजेस और वीडियो को एनहांस करके उसकी क्लैरिटी को इम्प्रूव करता है, ताकि आपको देखने में अच्छा लगे। लेकिन अगर आपको बात ज्यादा जरूरत नहीं होता है तो आप इसको डिसेबल ही करके रखिए। इसी में अगर आप बैक जाएंगे तो आप देखेंगे वीडियो कलर बूस्ट भी आपका ऑन ही होगा, इसको भी आप ऑफ करके रखिए अनलेस अनटिल आप बहुत ज्यादा वीडियो नहीं देखते हैं। नॉर्मली लोग वीकेंड में वीडियो देखते हैं, वीकडे में नहीं देखते हैं, तो जो 5 दिन तक आपका बैटरी चूसते रहता है और 6ठा 7वां दिन सैटरडे संडे को ही आपको इसका जरूरत पड़ता है, तो 2 दिन के लिए ऑन कर लीजिए, वरना आप इसको ऑफ करके रखिए, अपना बैटरी को बचाइए। इसके बाद ब्राइट HDR वीडियो मोड को भी आपको ऑफ करके रखना चाहिए, सेम रीजन है, 5 दिन तक अगर आप ज्यादा वीडियो नहीं देखते हैं, या जब देखते हैं तो मैनुअली ऑन कर लीजिए, जब नहीं देखते हैं तो ऑफ कर लीजिए। इसके बाद अगर आप नीचे आते हैं तो कमाल का चीज आपको क्या दिखता है कि रिफ्रेश रेट का ऑटो सेलेक्ट अगर आपको लगते हैं तो बहुत बढ़िया बात है, बैटरी तो आप बचाते हैं, इसमें कोई डाउट नहीं है। मगर आप चाहते हैं बिल्कुल मक्खन की तरह आपका स्क्रीन जो है वो मूव करे और थोड़ा बैटरी ज्यादा खाएगा, मगर हाँ हाई रिफ्रेश रेट आप कर लेंगे तो एक कमाल का चीज आपको और मिलेगा जो हिडन है आपके मोबाइल में, आपको पता नहीं है। क्योंकि देखिए ऑटो सेलेक्ट पे आप
रखते हैं तो इसके नीचे कोई भी ऑप्शन नहीं है, सिर्फ यही तीन ऑप्शन है। लेकिन जैसे ही आप हाई पे सिलेक्ट कर लेते देखिए एक चौथा ऑप्शन आता है ऐप स्पेसिफिक रिफ्रेश रेट का, इसमें आप जा सकते हैं। और अब इसमें आप एप्स को सिलेक्ट कर सकते हैं मैनुअली जो आप ऐप ज्यादा यूज करते हैं। एग्जांपल के लिए आप BGMI यूज करते हैं तो 120 हर्ट्ज बाय डिफॉल्ट है तो आप 120 हर्ट्ज रख सकते हैं। मगर आप देखेंगे कि कैलकुलेटर आपको 120 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट क्यों चाहिए, 60 हर्ट्ज में भी काम हो जाएगा तो 60 हर्ट्ज कर दीजिए। तो इससे देखिए आपका बैटरी बचता है। अब चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट जन सेटिंग की तरफ, जो कि ऑब्वियसली 24/7 आपका बैटरी चूसते रहता है और आपको बिल्कुल पता भी नहीं रहता है। सेटिंग्स के कनेक्शन शेयरिंग में जाएंगे तो आप देखेंगे यहाँ पर प्रिंट का ऑप्शन है जो 24/7 365 डेज सालों भर ऑन ही रहता है, क्यों पता नहीं। फटाक से पहले तो इसको ऑफ कर देना है। दोस्तों आपने पूरे लाइफ टाइम में इस प्रिंट सर्विस को यूज नहीं करते हैं मगर इसको ऑन रखते हैं तो 24/7 आप जानते हैं आपके मोबाइल में कुछ भी ऑन रहेगा तो वो बैटरी चूसेगा, मोबाइल को गर्म करेगा, मोबाइल के रिसोर्स को यूज करेगा और आप बोलेंगे कि आपका मोबाइल अच्छा परफॉर्मेंस नहीं कर रहा है। इसको हमेशा ऑफ करके रखना है। बैक जाना है तो अगेन क्विक कनेक्ट भी बाय डिफॉल्ट 24/7 ऑन ही रहता है, क्यों रहता है पता नहीं। जब आपको क्विक कनेक्ट यूज करना हो तो इनेबल कर लीजिए वरना डिसेबल कर लीजिए। अब सेटिंग्स में बैक आकर आप देखेंगे तो यहाँ पर आपको लोकेशन मिलेगा जो बहुत लोगों को आदत होता है कि वो इसको ऑन ही रखते हैं। दोस्तों अगेन ये समस्या परे है कि आपको 24/7 क्यों लोकेशन को ऑन रखना है। अगर आप कोई मैप यूज कर रहे हैं, ओला उबर यूज कर रहे हैं, स्विगी जोमेटो यूज कर रहे हैं तो ऑन कर लीजिए क्योंकि उसको आपको घर का पता चाहिए ताकि वो आपके घर पर डिलीवर कर सके या आपका कैब आ सके। और सोने पर सुहागा तो ये है दोस्तों कि वाईफाई ब्लूटूथ स्कैनिंग इसके नीचे जो है वो हमेशा 24/7 ऑन रहता है। और आप में से ज्यादा लोग ये जानते ही नहीं होंगे कि इसका यूज क्या होता है, इसको क्यों इनेबल रखना होता है। तो सबसे पहले तो इसको आपको डिसेबल कर देना है क्योंकि इसका यूज बहुत ज्यादा नहीं होता है। जब यूज होगा तो ऑन कीजिए, जब यूज नहीं होगा तो क्यों ऑन करना है। और इसको ऑफ करने के बाद लोकेशन सर्विसेज को भी ऑफ कर लीजिए क्योंकि आप हमेशा इसको यूज नहीं करते हैं। हाँ, जब ऑर्डर करते हैं स्विगी जोमेटो पे, ओला उबर पे मैप यूज करते हैं तब ऑन कर लीजिए, उसके बाद ऑफ कर दीजिए। मैं तो ऐसा ही करता हूँ दोस्तों और इसी कारण मेरा जो मोबाइल है वो मक्खन की तरह लैकफ्री चलता है, रॉकेट की तरह फास्ट भागता है। अब दोस्तों सेटिंग्स में एक कमाल का फीचर दिखाते हैं जो मुझे पूरा यकीन है कि आपको नहीं पता होगा। आप जैसे अपने वाईफाई में जाएंगे, वाईफाई असिस्टेंट में जाएंगे तो यहाँ पर देखेंगे ऑटो कनेक्ट टू बेस्ट वाईफाई है जो बाय डिफॉल्ट ऑफ है। आपको इसको हमेशा ऑन करके रखना है ताकि जो भी बेस्ट वाईफाई हो वो उसको पकड़े और आपका मोबाइल का बैटरी जो है वो कमजोर वाईफाई में ज्यादा डिस्टर्ब ना हो और बैटरी ज्यादा खत्म ना हो। जैसे ही आपको जो सबसे बढ़िया वाईफाई मिलेगा वो पकड़ लेगा तो आपका डेटा स्पीड बिल्कुल शानदार रहेगा और बैटरी भी बचा रहेगा। इसके बाद अगर आपका वाईफाई जो है वो खत्म हो जाता है, नहीं मिलता है तो आपका डेटा तो चला जाएगा दोस्तों, आपका काम तो रुक जाएगा। तो ऐसा नहीं करना है, ऑटो स्विच टू मोबाइल नेटवर्क भी आपको इनेबल करके रखना है ताकि जैसे ही आपका वाईफाई खत्म हो मोबाइल नेटवर्क पे ऑटोमेटिकली स्विच कर जाए और आपको कभी भी डेटा का प्रॉब्लम ना हो, आपको कभी भी बैटरी बार बार परेशान न करे कि भाई ये कम है वो कम है। और ठीक इसके नीचे आप देखेंगे डुअल चैनल नेटवर्क एस्केलेशन है, ये भी आपका बाय डिफॉल्ट ऑफ होता है, फटाक से इसको ऑन कर लीजिए ताकि आप सेम टाइम पे वाईफाई और मोबाइल डेटा को यूज कर सके और सबसे फास्टेस्ट डेटा स्पीड का आपको एक्सपीरियंस हो। और सिर्फ इतना ही नहीं, इसी में अगर आप बैक जाएंगे, फिर से बैक जाएंगे, थ्री डॉट्स के मेनू में जाएंगे, मोर सेटिंग्स में जाएंगे तो आप देखेंगे कमाल का चीज है कि वाईफाई स्टेटस डिस्प्ले भी है जो बाय डिफॉल्ट ऑफ होता है, आपको बस ऑन कर लेना है ताकि आप बैंडविड्थ लेवल देख सके। आप देख सकते हैं 2.4 GHz 5 GHz है वो दिखाना शुरू कर देता है। इसके बाद वाईफाई वर्जन नंबर है जरूर से इनेबल करके रखिए ताकि वाईफाई वर्जन नंबर 4 है, 5 है, 6 है वो आपको पता चल सके। अब इसी में अगर आप बैक जाएंगे तो आप देखेंगे वाईफाई डेटा यूसेज भी इसमें आपको दिख जाता है, यानी कि वाईफाई आपने कितना यूज किया है इस मंथ में यहाँ पर आपको क्लियरली दिख जाता है और कितने ऐप ने कितना डेटा यूज किया है यहाँ पर आप क्लियरली देख सकते हैं। तो वाईफाई डेटा को देखने के लिए आप यहाँ पे यूज कर सकते हैं, मोबाइल डेटा देखने के लिए आप यहाँ पे देख सकते हैं। तो दोस्तों अभी तक अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लग रहा हो, आप ऐसे ऐसे सेटिंग्स देख रहे हो जो आपको नहीं पता था और आपको फायदा करेगा ये आपको लगता है, तो जरूर से वीडियो को लाइक करके शेयर कर दीजिए अपने तमाम OnePlus दोस्तों के साथ ताकि उनको भी इन सेटिंग्स का फायदा हो सके। और मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूँ दोस्तों क्योंकि बहुत सारे लोग जो है मैं देखता हूँ अपने YouTube स्टैटिस्टिक्स में वो वीडियो तो देखते हैं, सेटिंग्स को भी इनेबल करते हैं मगर सब्सक्राइब नहीं करते हैं। तो जरूर से आप हमारे मैजिकल टेक गुरु चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल बटन को दबा दीजिए, अपने दोस्तों को भी बोलिए करने के लिए क्योंकि ये मोटिवेशन है दोस्तों जो हमें आपसे मिलता है ऐसे ऐसे मजेदार और नॉलेजफुल वीडियोस बनाने के लिए। और फ्री ऑफ कॉस्ट है, आपका तो कुछ नहीं जाता है मगर हाँ हमको इतना मोटिवेशन मिलता है कि हम नेक्स्ट वीडियो में बिल्कुल लगन के साथ मेहनत के साथ लग जाते हैं। तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल बटन को दबा दीजिए। अब नेक्स्ट सेटिंग के लिए अगेन हम लोग सेटिंग्स में जाएंगे, यहाँ पर थोड़ा नीचे आएंगे तो सिक्योरिटी प्राइवेसी में जाएंगे, अगेन यहाँ पर नीचे जाएंगे मोर सिक्योरिटी प्राइवेसी में और यहाँ पर आप देखेंगे ऐप कंटेंट का जो ऑप्शन है वो बाय डिफॉल्ट इनेबल्ड है। और ये कर क्या रहा है तो अलाउ एप्स टू सेंड कंटेंट। अब देखिए दोस्तों आपके जानकारी के बिना, आपके नॉलेज पे, आपके कंसेंट पे ये जो डेटा है ये बाहर जा रहा है आपके मोबाइल से। और कोई रॉकेट साइंस नहीं समझना कि ये आपके प्राइवेसी के लिए भी खतरा है और बार बार जा रहा है तो आपका बैटरी भी चूस रहा है, मोबाइल के रिसोर्सेज को यूज कर रहा है जिससे आपका मोबाइल लैग हो सकता है, स्लो हो सकता है। आपको डेफिनेटली ऐसा नहीं करने देना है। इसके बाद आप देखेंगे नीचे में यूसेज एंड डायग्नोस्टिक है, अगेन ये ऑन होगा। और ये करता क्या है तो हेल्प इंप्रूव योर एक्सपीरियंस। अगेन दोस्तों ये क्या करता है, ये डेटा को भेजता है, क्यों भेजता है, ताकि ये इंप्रूव कर सके। अब दोस्तों इसको इंप्रूव करना है तो वो आपके मोबाइल के बैटरी के कॉस्ट पे, आपके मोबाइल के परफॉर्मेंस के कॉस्ट पे, आपके मोबाइल के रिसोर्स के कॉस्ट पे, आपके बैटरी के कॉस्ट पे क्यों इंप्रूव करे। इंप्रूव करना है तो अपने दम पे इंप्रूव करें, या फिर अगर आपको पैसे देता है कि हाँ भाई भेजो तो आप जरूर कर सकते हैं, मुझे तो नहीं देता है तो फटाक से डिसेबल कर दूंगा। जो कपाट दोस्तों जरूर से आपको इसको डिसेबल ही करके रखना है अगर वो पैसे देता है तो भी, क्योंकि आप अपने मोबाइल के डेटा के साथ प्राइवेसी के साथ कोई भी कॉम्प्रोमाइज नहीं करना चाहते। इसके बाद इसी में अगर बैक जाएंगे मोर सिक्योरिटी में तो सबसे नीचे आप देख सकते हैं आपको ऐप पिनिंग का ऑप्शन मिल
जाता है जरूर से इनेबल कर रखना चाहिए। लॉक स्क्रीन आफ्टर अनपिनिंग जरूर से इनेबल कर लीजिए। और ये ऐप पिनिंग करता क्या है दोस्तों, तो आप मोबाइल किसी को देते हैं एग्जांपल के लिए फोटो देखने के लिए, तो उसको सिर्फ फोटो देखना चाहिए, मगर वो निकलता है शाना, वो देखता है आपका बैंक बैलेंस कितना है, वो आपका मैसेज देखने लगता है, व्हाट्सएप चैट देखने लगता है, जो आपको बिल्कुल भी पसंद नहीं आता है। तो आप क्या करेंगे, उस फोटो ऐप को पिन कर देंगे ताकि वो उस फोटो ऐप से बाहर निकल ही ना सके, और अगर बाहर निकलने की कोशिश भी करेगा तो देखिए लॉक स्क्रीन हो जाएगा अनपिन के बाद, यानी कि आप ही उसको अनलॉक कर सकते हैं और मोबाइल में जा सकते हैं। वैसे अगर आप इन सब फीचर्स को डिटेल में देखना चाहते हैं तो हमारा 99 प्लस टिप्स एंड ट्रिक्स हिडन फीचर्स का वीडियो है, जरूर जाके देखिए जो ऊपर आई में है नीचे डिस्क्रिप्शन में, ताकि आप इन सब फीचर्स को बिल्कुल अच्छे से अपने वन प्लस डिवाइस का जान सकें और अपने वन प्लस डिवाइस का प्रो यूजर बन जाएं। तो अगर अभी तक आपने वीडियो नहीं देखा है दोस्तों जरूर जाके देखिए, मजा ही आ जाएगा। अब वापस से सेटिंग्स में जाएंगे, अगेन आप यहाँ पर प्राइवेसी में जाएंगे और देखेंगे यहाँ पर आपको ऑप्शन मिल जाता है केवल प्राइवेसी का, इसमें जाएंगे और इसमें नीचे आएंगे तो आप देखेंगे कि आपको एड्स मिल जाता है, जो अगेन कमाल का चीज है दोस्तों। आपके मोबाइल में एड्स है और आप यहाँ पर देखेंगे कि इनेबल डिबग लॉगिंग फॉर एड्स को आपने इनेबल किया हुआ है, कमाल की बात है। करता क्या है, तो ये राइट करता है डिबग इन्फॉर्मेशन को, और ऑब्वियसली राइट कर रहा है तो भेजेगा ही, और भेजेगा तो क्या यूज करेगा, आपको मोबाइल का बैटरी यूज करेगा, मोबाइल का रिसोर्स यूज करेगा, मोबाइल को गर्म करेगा, बैटरी को चूसेगा, और आप बोलेंगे कि भैया ये फोन अच्छा नहीं है, बैटरी अच्छा नहीं है, मगर एक्चुअली में क्या है कि आपने यहाँ ऑन करके इसको कंसेंट दिया हुआ है कि भाई जो करना है करो, क्योंकि हर कोई समझ रहा है ये घंटा है बजा के चला जाता है, आपको ऐसा नहीं करने देना है। और उससे एक कदम आगे बढ़कर डिलीट एडवर्टाइजिंग आईडी आपको जरूर से करके डिलीट ही कर देना है, ताकि ऐड का टंटा ही खत्म हो जाए। बैक जाएंगे तो आप देखेंगे एड्स के नीचे आपको ऑप्शन मिल जाता है यहाँ पर शो पासवर्ड का, जो अगेन ऑन होगा। अब दोस्तों आपको क्यों पासवर्ड दुनिया को दिखाना है, फटाक से इसको ऑफ कीजिए, ताकि आप जब भी टाइप करें तो पहले ये ए टाइप करता है फिर स्टार्ट टाइप करता है, अब आप ऑफ कर देंगे तो ए टाइप नहीं करेगा सीधा स्टार्ट टाइप करेगा, यानी कोई देख नहीं पाएगा कि ए बी सी आप डाल रहे हैं एक्स वाई जेड डाल रहे हैं, क्योंकि उसको जब भी देखेगा स्टार्ट ही दिखेगा। फिर इसमें आप नीचे आएंगे तो एक्टिविटी कंट्रोल का ऑप्शन है, जो बहुत डेटा लेता है दोस्तों, आप देख सकते हैं इसको खोलने में इतना समय लगता है, तो आप समझ सकते हैं कितना डेटा ये लोड करता है। इसमें कुछ कमाल का चीज क्या है, तो वे वन ऐप एक्टिविटी बाय डिफॉल्ट ऑन होगा, सबसे पहले तो आपको इसको ऑफ कर लेना है, फिर मैं आपको बताता हूँ ये करता क्या है। तो यहाँ गॉट इट कर देना है, उसके बाद आप यहाँ पर गॉट इट कर देंगे, अब देखिए ये ऑफ हो चुका है। तो ये आपके वे वन ऐप एक्टिविटी को 24/7 जो है भेजते रहता है, अपने सर्वर पे सेव करते रहता है। आपको क्यों करवाना है ये काम, आपको क्यों चाहिए कि बेटर रिकमेंडेशन मिले यानी बेटर एड मिले, आपको ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है। किसी भी एक्टिविटी को आपको लगातार सेव नहीं करना है, आपको कहीं भी भेजना भेजने का जरूरत नहीं है। हाँ, कभी आपको लगे कि जरूरत है तो आप उसको मैनुअली इनेबल कर लीजिए, फिर इसको डिसेबल कर दीजिए। इसी में अगर आप नीचे आएंगे तो अगेन आप एक कमाल का चीज देखेंगे कि जो टाइमलाइन है, जो पहले लोकेशन सर्विसेज नाम से था, वो भी आपका डिफॉल्ट ऑन होता है, इसको भी पहले तो आपको ऑफ कर लेना है। और जैसे ही आप इसको ऑफ करेंगे तो आप देखेंगे कमाल का चीज क्या होता है कि आपका ये जो टाइमलाइन का डेटा है ये सेव हो रहा है अगेन 24/7, वो बंद हो जाता है। अब दोस्तों सिंपल से एग्जांपल आपको बताते हैं, 12 घंटे आपका टाइमलाइन का डेटा सेव हो रहा है, इससे आपको क्या फायदा हो रहा है। हाँ, ये जरूर है कि 12 महीने आपका मोबाइल का बैटरी ये चूस रहा है, मोबाइल को गर्म कर रहा है, मोबाइल के रिसोर्सेज को यूज कर रहा है, क्योंकि 2-3 महीना आप घूमने जाते हैं, बाकी 9-10 महीना घर पे रहते हैं, तो घर पे आपको टाइमलाइन क्यों सेव करना, आपको तो पता ही है कि आप वहां पे थे। 2-3 महीना घूमने जाइए तो इनेबल कर लीजिए, ताकि आप भी दुनिया को दिखा सके, खुद भी देख सके आप यहाँ घूम रहे थे वहां घूम रहे थे। इसके बाद अगेन आप नीचे आएंगे तो आप देखेंगे कि आपको ऑप्शन मिल जाता है पर्सनलाइज्ड एड्स का, जो अगेन आपने ऑन करके रखा हुआ है। आपको तुरंत इसमें जाना है और आपको देखना है यहाँ से ऑफ करना है, कैसे ऑफ करना है, तो यहाँ से टर्न ऑफ कर देना है, और एक बार टर्न ऑफ हो गया तो पर्सनलाइज्ड एड्स जो है वो आना बंद हो जाएगा। अब दोस्तों आपको ये सोच रहे होंगे पर्सनलाइज्ड एड्स को ऑफ करके क्या फायदा हुआ, फायदा ये हुआ दोस्तों कि आपका जो पब्लिशर है उसको आपने बता रखा था पर्सनलाइज्ड एड ऑन करके कि आपका चॉइस क्या है, जिससे वो आपके चॉइस का एड भेजता था और आपको मजबूरन देखना पड़ता था। अब आपने पर्सनलाइज्ड एड्स को ऑफ कर दिया, यानी आपने चॉइस ही नहीं बताया अपने पब्लिशर को, तो पब्लिशर कुछ भी भेजेगा जो आप नहीं देखेंगे तो एक समय आएगा जो पब्लिशर थक हार जाएगा, इरिटेट हो जाएगा, बोलेगा यार ये तो ऐड देखता ही नहीं है, तो इसको ऐड भेज के फायदा क्या है। तो कल तक पब्लिशर आपका मजा ले रहा था, अब आप पब्लिशर के मजे लीजिए, बस इसको ऑफ कर दीजिए, पब्लिशर को पता ही नहीं चलेगा क्या भेजना है, और कुछ समय के बाद वो भेजना ही बंद कर देगा, यानी ऐड खत्म और आपके मौजा ही मौजा हो जाएगा। अब दोस्तों एक कंप्लेन आपको सभी को होता है, मुझे भर भर के मैसेज आता है कंप्लेन का इंस्टाग्राम पे, यूट्यूब पे, फेसबुक पे, कि रात में आप सोते हैं आपका मोबाइल होता है 100%, सुबह उठते हैं हो जाता है 90%, अब ये 10-12% बैटरी चूसा कैसे जाता है, मोबाइल का बैटरी इतना जल्दी तो ड्रेन नहीं होना चाहिए रात में, बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए दोस्तों। तो उसको आप बहुत अच्छे से अचीव कर सकते हैं, कैसे, तो सेटिंग्स में जाएंगे, इसके बाद आप अपने एडिशनल सेटिंग्स में जाएंगे, यहाँ पर थोड़ा नीचे आएंगे तो स्केड्यूल पावर ऑन ऑफ का आपको ऑप्शन देखने को मिल जाता है। आप रात में सोते हैं कितना बजे, 11 बजे या 12 बजे, बस यहाँ पर आप टाइम सेट करके यहाँ पे इनेबल कर लीजिए। नॉर्मली मैं वीकडेज को ही रखता हूँ, सैटरडे संडे को फोन को ही मजा करने देता हूँ, खुद भी मजा करता हूँ। अभी 11-12 बजे आप सोते हैं, इसको इनेबल कर लीजिए। उठते हैं कितना बजे, 7 बजे, 6 बजे, 8 बजे, तो जो भी टाइम यहाँ पे सेट करना है सेट कर दीजिए, इसको यहाँ से इनेबल कर लीजिए। अगेन आप कब करेंगे, तो वीकडे में करेंगे, वीकेंड में फोन को भी मजा करने दीजिए, खुद भी मजा कीजिए। अब देखिए क्या होगा, तो आप रात में सोएंगे 11 बजे, आपका मोबाइल सोएगा 11 बजे, आप उठेंगे 7 बजे, आपका मोबाइल ऑटोमेटिकली उठ जाएगा 7 बजे, यानी कि 0% बैटरी ड्रेन होगा। और आप बोलेंगे कि मैजिकल टेक गुरु ने क्या मजेदार ट्रिक आपको बताया है। और एक कमाल का फीचर देखते हैं दोस्तों, जो इतना हिडन है कि आपको पता ही नहीं चलता है। आप सेटिंग्स में जाते हैं, अबाउट डिवाइस में जाते हैं, और इसी में थोड़ा नीचे आते हैं तो आप देखते हैं एक्सपीरियंस इंप्रूवमेंट प्रोग्राम है, जिसमें आप जाते हैं तो अगेन देखते हैं कि ज्वाइन यूजर एक्सपीरियंस प्रोग्राम है ये इनेबल्ड होता है, सिस्टम स्टेबिलिटी इंप्रूवमेंट प्रोग्राम जो इनेबल होता है। अब अगेन दोस्तों इनको एक्सपीरियंस अपना इंप्रूव करवाना है, इनको स्टेबिलिटी अपना इंप्रूव करवाना है, मगर वो क्या चाहते हैं, तो आपके बैटरी के कॉस्ट पे,
आपके मोबाइल के रिसोर्स के कॉस्ट पे, आपके मोबाइल के गर्म होने के कॉस्ट पे, आपके मोबाइल के परफॉर्मेंस के कॉस्ट पे ये करना चाहते हैं, जो आपको बिल्कुल भी नहीं करने देना है। फटाक से दोनों को आपको स्विच ऑफ कर देना है। मैं अगेन कह रहा हूँ दोस्तों, अगर वो आपको पैसे देता है तो करवाइए, वरना मुझे तो नहीं देता है। और फिर मैं कहता हूँ कि जोक्स अपार्ट दोस्तों, कुछ भी वो आपको दो, किसी भी तरह का लालच दे, आपको ऑन करके नहीं रखना है, क्योंकि आपको अपने मोबाइल के डेटा को, प्राइवेसी को इंटैक्ट रखना है, ताकि कोई भी परिंदा जो है पड़ न मार सके आपके मोबाइल के आसपास। और एक ही मकसद आपका होना चाहिए कि आपका मोबाइल जो है रॉकेट की तरह फास्ट होना चाहिए, मक्खन की तरह लाइट फ्री चलना चाहिए। अब चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट जन सेटिंग की तरफ। हम लोग सेटिंग्स में जाएंगे, सबसे नीचे जाएंगे, एडिशनल सेटिंग्स में जाएंगे तो देखेंगे यहाँ पर डेवलपर ऑप्शन है, जिसमें अंदर जाएंगे तो आप यहाँ पर ऑन देखेंगे, मगर ये कि आप में तो डेवलपर ऑप्शन ही नहीं दिख रहा है। तो जब डेवलपर ऑप्शन ही नहीं दिखेगा तो ऑन ऑफ क्या दिखेगा? तो दोस्तों ये अपने आप में एक हिडन फीचर होता है, आपको इसको इनेबल करना होता है। कहां से करना होता है? तो आप अपने अबाउट डिवाइस में जाएंगे, वर्जन में जाएंगे और वर्जन नंबर पर मल्टीपल 7 बार टाइप करेंगे तो ये आपसे पिन पैटर्न पासवर्ड मांगेगा, दे देंगे तो ये बोल देगा यू आर नाउ अ डेवलपर। फिर आप यहाँ पर आ जाएंगे एडिशनल सेटिंग्स में, डेवलपर ऑप्शन में, तो यहाँ पर आप देखेंगे कि आपको दिख रहा है। सबसे पहला चीज आपको क्या करना है, तो मेमोरी में जाना और देखना है कि आपका मेमोरी का एक्सपेंशन कितना हुआ है, मेमोरी कितना यूज हो रहा है, कितना मेमोरी जो है बचा हुआ है, कितना एवरेज यूज हुआ है, कितना ऐप जो है वो मेमोरी को यूज कर रहा है। उसका बेस्ट वे देखने का है कि आप यहाँ पर टाइम सेलेक्ट कर लीजिए कि एक दिन में आपका टोटल कितना यूज हुआ है। और अगर आपको इन सब में लगता है कि कोई भी ऐप गलत तरीके से आपको मेमोरी यूज कर रहा है, उसको पटाक से उड़ा के डिलीट कर दीजिए। और अब डेवलपर ऑप्शन में ही आप थोड़ा सा नीचे आएंगे तो आप देखेंगे कि कमाल का ऑप्शन आपको देखने को मिल जाता है शो रिफ्रेश रेट का, बस यहाँ से इसको इनेबल कर देना। तो यहाँ पर आप देखते हैं आपको 90 दिख रहा है। अब जैसे ही आप होम स्क्रीन पे जाते हैं तो आप देखते हैं 120 होता है, फिर से 90 हो जाता है, और कुछ देर एडेड रहता है तो आप देखते हैं 60 हो जाता है। यानी 60 है, 90 है, 120 है, ये 60, 90, 120 का चक्कर क्या है दोस्तों? कहीं ये वो चक्कर तो नहीं जो आप समझ रहे हैं? बिल्कुल भी नहीं, वो चक्कर नहीं है दोस्तों। आपका स्क्रीन रिफ्रेश रेट अगर ऑटो पे रहेगा तो ये 60, 90, 120 ही करता रहेगा, ताकि आपका बैटरी बच सके, तो इसलिए आपको हमेशा ऑटो पे रखना चाहिए। तो शो रिफ्रेश रेट के अपार सफलता के बाद हम लोग क्या देखेंगे, तो कमाल की चीज आपको यहाँ पर देखने को मिल जाता है। विंडो एनिमेशन स्केल है, ट्रांजिशन एनिमेशन स्केल है, एनिमेटेड ड्यूरेशन स्केल है। बाय डिफॉल्ट ये 1x होता है, मगर अगर आपको बैटरी का लाइफ एक दिन से डेढ़ दिन करना है तो 0.5x कर दीजिए, इसको भी 0.5x कर दीजिए और इसको भी 0.5x कर दीजिए। और अगर आप उससे ही बढ़ाना चाहते हैं तो आप यहाँ से ऑफ भी कर सकते हैं, मगर नया फोन हो दोस्तों रिकमेंडेड है कि बिल्कुल भी ऑफ मत कीजिए 0.5x रखिए। एक से डेढ़ दिन भी हो जाए बैटरी लाइफ, बहुत बड़ी बात होती है। तो दोस्तों मुझे पूरा उम्मीद है कि आपको हमारे ये वीडियो बहुत पसंद आया होगा। जितने भी सेटिंग्स हैं उसको या तो आपको ऑफ करना है, ऑन करना है, और जैसा मैंने बताया बिल्कुल वैसा ही करना है। और कोई भी नहीं रोक सकता दोस्तों आपके फोन को रॉकेट की तरफ फास्ट होने में। बैटरी एक दिन से डेढ़ दिन और कभी कभी दो दिन भी हो सकता है, अगर आप बिल्कुल अच्छे से सारे सेटिंग्स को ऑन या ऑफ करेंगे तो। और 100% आपका डेटा प्राइवेसी जो है वो सिक्योर हो जाएगा, आपका डेटा कोई भी ना चुरा सकेगा ना देख सकेगा। तो कमेंट सेक्शन में जरूर अपना फीडबैक दीजिएगा दोस्तों, आपका फीडबैक बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। अच्छा लगा तो आप जानते हैं लाइक करना है, दोस्तों के साथ शेयर करना है, और पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, बेल बटन को दबा देना है, ताकि ऐसे नए नए फीचर्स का आनंद सबसे पहले आप उठा सकें जैसे ही हम वीडियो डालते हैं अपने चैनल पे। तो नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। जय हिंद, जय भारत।